चार दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अष्टमी और नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे। विजय दशमी पर विजय जुलूस की भी अगुवाई वो करेंगे। महंत अवैधनाथ की कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम, और इसके साथ ही सीएम कालीबाड़ी मंदिर में विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर, और आपको बताएं कि विजयादशमी पर विजय जुलूस की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही महंत अवैधनाथ की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं यहां से सीएम, और सीएम कालीबाड़ी मंदिर में विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। गोरखपुर से मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त लाइव मौजूद है। नीरज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा इस बार बेहद अहम है, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और इसके साथ ही तमाम जो सौगात देने वाले हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 5 दिवसीय दौरे पर कल ही मुख्यमंत्री देर शाम गोरखपुर पहुंचे हैं, और आज सुबह से ही जो है महाअष्टमी की पूजा की शुरुआत होती है, जो शक्तिपीठ जहां पर माँ दुर्गा की प्रथम तल पर गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने प्रतिमा और कलश स्थापना की थी पहले दिन, वहाँ पर हर दिन पूजा चलती है। सुबह और शाम लगातार पूजा हो रही थी, और कल शाम को भी मुख्यमंत्री ने वहाँ पर एक गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के नाते वहाँ पर पूजा की थी, और इसके बाद आज सुबह भी पूजा का जो दौर है वो चल रहा है, चूँकि आज अष्टमी भी है और काफ़ी महत्व है नवरात्रि का। और मंदिरों की बात करें तो तमाम मंदिरों में भी सुबह से ही देवी गीतों की गूंज सुनाई दे रही है, और इसके बाद मुख्यमंत्री अब जाएंगे 12 बजे के करीब महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय है उसका शिलान्यास होना है। आदमकद 12 फीट की प्रतिमा है उसको भी कांसे की प्रतिमा है वहां परिसर में उसका भी लोकार्पण करेंगे, और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे वहाँ पर। और शाम को कालीबाड़ी मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है वहाँ पर मुख्यमंत्री जाएंगे, और जो जीर्णोद्धार के बाद जो रूप निखर कर आया है, जो मंदिर भव्य दिखाई दे रहा है, उसका भी वहां पर उनको लोकार्पण करना, और इसके साथ ही जनसभा, दोनों जगहों पर जनसभा होनी है, और कल जो कन्या पूजन है नवमी का दिन है कन्या पूजन। बिल्कुल, और हर साल नीरज हम देखते हैं, हर साल देखते हैं कि सीएम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को दान देते हैं, तो वो कार्यक्रम हमें कल देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है प्रयागराज में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। घर में सो रही मां बेटी की हत्या की खबर है। धारदार हथियार से हमला करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। महिला के पति पर भी जानलेवा हमला किया गया है, पति गंभीर रूप से जख्मी है। बिजली की वायरिंग का काम करने वाले बनवारी लाल के परिवार पर यह हमला किया गया। हमले में बनवारी लाल की पत्नी और 17 साल की बेटी की मौत की खबर है। प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र का सारा मामला है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, क्या और जानकारी मिल रही है आपको इस घटना के बारे में? मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। बताएं बताएं क्या जानकारी मिली आपको इन हत्याओं के संबंध में? देखिए, ये डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात है। प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र इलाके का मामला है। मियां का पूरा गांव है। यहां बिजली की वायरिंग का काम करने वाले एक शख्स के पूरे परिवार पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है, जबकि वो खुद गंभीर रूप से घायल है। हमला किसने किया, क्या मकसद था, कौन लोग थे, क्या वजह थी, अभी ये कुछ साफ नहीं हो पाया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब बनवारी लाल को होश आएगा, वो बयान दे सकने की स्थिति में होगा, तब शायद उसके बयान के आधार पर पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। बहरहाल, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो फॉरेंसिक टीमों के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। छानबीन की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, और पहली नजर में आशंका दो बातों पर जताई जा रही है। दो एंगल पर पुलिस छानबीन कर रही है कि एक तो ये लूट की वारदात के मद्देनजर इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है, और दूसरा एंगल ये है कि बेटी के साथ छेड़खानी के लिए कोई घुसा होगा, और जब परिवार के लोग जग रहे होंगे तो उसने इस तरीके से हमला किया होगा। तो इन्हीं दो एंगल को फोकस मान करके पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जो घर का मालिक था बनवारी लाल, बिजली वायरिंग का काम करता था, उसको होश आ जाएगा, वो बयान देगा, तो उसके आधार पर फिर तस्वीर जो है वो काफी हद तक साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोइन, तमाम जानकारी। तो दो हत्याओं से प्रयागराज में डबल मर्डर से मां बेटी की हड़कंप मचा हुआ है। पिता भी जो है जख्मी है, उस पर भी जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस इंतजार कर रही है कि उसे होश आए, चेतना वापस लौटे, और तब ये पता चले कि आखिर हुआ क्या है, कौन लोग थे हमला करने वाले।